हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों, क्लास 10th में आपका चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, उसमें डाइजेशन वाला पार्ट आप पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। कल के सेशन में हमने उसको खत्म किया। अब केवल बचा है बच्चों, अमीबा में रिवाइज करेंगे हम कि अमीबा में किस तरह से न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है, किस तरह से पोषण की प्रक्रिया अमीबा में होती है, जो कि मनुष्यों के समान मानी जाती है। अगर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है जिसमें ये पूछा जाए कि अमीबा में किस तरीके का न्यूट्रिशन पाया जाता है, यानी कौन से प्रकार का पोषण पाया जाता है, तो अमीबा में मनुष्यों के समान ही पोषण की प्रक्रिया पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं प्राणी संपोषण या होलोजोइक न्यूट्रिशन। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, होलोजोइक न्यूट्रिशन को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे और आज हम रेस्पिरेशन वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। बच्चों, अमीबा जो कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल सेल्ड एनिमल है, एक कोशिकीय जीव है, कहाँ पे पाया जाता है? फाउंड इन पडल्स, लेक वाटर, पॉन्ड वाटर, या ये फ्रेश वाटर में, तालाब के पानी में या झील के पानी में पाया जाता है। इसका शारीरिक संरचना, इसकी शारीरिक संरचना कैसी होती है? इट हैज अ सेल मेम्ब्रेन। उसके पास वो एक ही कोशिका का बना हुआ होता है, यानी उसके पास केवल एक कोशिका के ऊपर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। एक राउंड न्यूक्लियस उसके पास होता है और बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं उसके पास। तो उसकी शारीरिक संरचना में केवल तीन ही चीजें पाई जाती हैं। पहला है कि उसमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसके अंदर एक छोटा न्यूक्लियस पाया जाता है गोल, और एक छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं। अब क्या ये केवल तीन ही संरचनाएं किसी जीव के जीवन को चलाने के लिए पूरी हैं? तो हाँ, हमने कोशिका के बारे में जब पढ़ा था क्लास 9th में, तो हमने जाना था कि कोशिका जो होती है वो अपने आप में संपूर्ण होती है, और वो कोशिका जो अपने आप को बढ़ा सकती है संख्या में, वो कोशिका कंप्लीट सेल की इस कैटेगरी में आएगी। तो ये जीव अमीबा जो है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, ये अपनी संख्या को भी बढ़ा सकते हैं द्विखंडन की पद्धति के द्वारा। तो इसलिए अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव की श्रेणी में आता है। आप सभी जानते हैं कि एनिमल्स ईट थ्रू देयर माउथ। जैसे हम मनुष्यों में पाचन की प्रक्रिया की बात कर रहे थे, तो मनुष्यों में हम जो खाना खाते हैं, हम अपने मुंह से खाना खाते हैं। लेकिन जैसे बहुत छोटे जीवों की बात की जाए, हाउ डज अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा फीड इटसेल्फ। अगर हम बहुत छोटे जीव अमीबा की बात करें, तो ये भोजन कैसे खाता होगा? क्योंकि इसके शरीर में, हमने शारीरिक संरचना की बात करी, तो इसके शरीर में केवल सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एक गोल केंद्रक प्रेजेंट है, एक राउंड न्यूक्लियस और कुछ वैक्यूल्स प्रेजेंट है छोटे छोटे। तो ये अपना भोजन कैसे खाता होगा, तो इस प्रक्रिया को हम समझेंगे। पहली चीज तो ये जानेंगे कि जिस तरह से मनुष्यों के शरीर में हम पूरा का पूरा खाना खा लेते हैं और उसके बाद अपने शरीर के अंदर उसके पाचन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, अमीबा में भी उसी प्रकार का पोषण पाया जाता है, यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है, जिसे हम प्राणी संपोषण कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? हम जिसको प्राणी संपोषण या होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भी भोजन को अपने शरीर के अंदर लेने के बाद शरीर के अंदर उस खाद्य कण का पाचन करता है। अमीबा क्या करता है? अमीबा कैन कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप, इट फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। अमीबा जो है उसका आकार अनियमित होता है, आप सभी को पता है कि नियमित आकार का नहीं होता है। तो अमीबा जो है निरंतर अपने आकार को चेंज करता रहता है, और वो उंगलियों के जैसी संरचना निकालता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सीडोपोडिया कहते हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं फॉल्स फीट, यानी कि कूट पाद, झूठ मूठ का पैर बनाता है वो। सीडोपोडिया हेल्प अमीबा इन मूविंग एंड कैप्चरिंग फूड। तो सीडोपोडिया जो होते हैं वो अमीबा को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करने में और भोजन को कैप्चर करने में हेल्पफुल होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, अमीबा की एक संरचना है जिसमें बीच में गोल न्यूक्लियस आपको दिखाई पड़ रहा है, छोटे छोटे वैक्यूल्स दिखाई पड़ रहे हैं।
जब भी कोई अमीबा किसी खाद्य कण को फूड पार्टिकल को सेंस करता है तो वो अपने सूडोपोडिया को इस तरह से बढ़ा लेता है, अपने आप से बढ़ा लेता है और खाद्य कण को सूडोपोडिया के द्वारा अपने शरीर के अंदर ले लेता है। इसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू खाद्य कण को वो अंदर ले लेता है, ठीक है। वहां पर फूड वैक्यूल जो है वो खाद्य कण को जब एक्सेप्ट करता है, जब वो अपने शिकार को समझता है तो सूडोपोडिया को अपने शिकार के चारों तरफ फैला देता है, उसको एनगल्फ कर देता है, यानी कि उसको अपने अंदर ले लेता है। द फूड दस गेट्स ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल, और उसके बाद खाना जो है वो खाद्य रिक्तिका में फूड वैक्यूल में चला जाता है। और अमीबा जो है वो एल्गी को फीड कर सकता है, रोटिफर्स को, प्रोटोजोअन्स को, और एक बड़ा अमीबा छोटे अमीबा को भी फीड कर सकता है, ठीक है। पोषण के प्रकार के बारे में आप सभी बहुत विस्तार से जान चुके हैं बच्चों, कि पोषण के प्रकार दो प्रकार का स्वपोषी पोषण होता है और 5-6 प्रकार का मैंने आपको विषम पोषी पोषण बताया था। उसमें पोषण में क्या होता है कि भोजन जो है वो पाचक रस के द्वारा छोटे छोटे साधारण कणों में तोड़ दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम पाचन की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। और डाइजेस्टिव जूसेस जैसे कि एमाइलेज हैं, प्रोटीएजेस हैं, ये फूड वैक्यूल के अंदर सिक्रीट होती हैं। अमीबा में भी पाचन की प्रक्रिया सेम जैसे मनुष्यों में होती है वैसे ही होती है। द डाइजेस्टेड फूड इज लेटर एब्जॉर्ब्ड बाय अमीबा फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लीकेशन, यानी कि अपनी वृद्धि के लिए, अपनी रिपेयरिंग रखरखाव के लिए और अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए अमीबा में भोजन से निकले हुए पोषक तत्वों को अब्सॉर्ब करने के बाद अमीबा उसका यूज करता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो शरीर के द्वारा यानी कि सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही सूडोपोडिया के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है रेस्पिरेशन एंड इट्स टाइप्स, यानी कि हमें श्वसन की प्रक्रिया के बारे में जानना है। अब हम लोगों का पाचन कंप्लीट हो गया है, श्वसन की प्रक्रिया जो है इसके बारे में आपको जानना है। तो श्वसन की प्रक्रिया हमें मनुष्यों में जाननी है। आप सभी को पता है, हमें भी पता है दैट देयर इज अ कांस्टेंट एक्सचेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो शरीर है या किसी भी जीव जंतु का शरीर, किसी भी वनस्पति का शरीर निरंतर सांस लेता रहता है। ये बहुत कॉमन बात है, आप सभी को पता है। सांस लेते समय हम क्या करते हैं, हम वातावरण की गैसेस से हमारे शरीर के गैसेस का एक्सचेंज करते रहते हैं, यानी कि हम आदान प्रदान करते रहते हैं। कुछ गैसेस हैं जो हम अपने शरीर में अंदर लेते हैं सांस लेते समय, और कुछ गैसेस हैं हमारे शरीर से जो हम वातावरण में बाहर छोड़ते हैं। तो ये आप सभी को पता है कि हम करते हैं, ऑक्सीजन इज इनहेल्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड। जब हम सांस अंदर की तरफ खींचते हैं उस समय पे हम अपनी सांस में वातावरण में मौजूद जो ऑक्सीजन होती है उसको सांस के द्वारा अंदर खींचते हैं, और वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन को जब हम अपने शरीर के अंदर खींचते हैं तो हमारे शरीर के अंदर मौजूद जो वेस्ट मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, उसको हम अपने शरीर से सांस द्वारा बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन को हम अपनी सांस के अंदर खींचते हैं, इफ ऑक्सीजन इज इनहेल्ड देन इट मस्ट बी यूज्ड फॉर सम एक्टिविटी इन द बॉडी। अगर हम ऑक्सीजन को अपने शरीर में खींचते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में उस ऑक्सीजन की कहीं ना कहीं कोई एक्टिविटी होती है, यानी कि उस ऑक्सीजन की हमारे शरीर को जरूरत होती है, तभी हम ऑक्सीजन खींचते हैं। वातावरण में इतनी सारी गैसेस हैं तो क्यों हम ऑक्सीजन ही खींचते हैं, ये बड़ा नेचुरल सा प्रोसेस है। अब इन सब चीजों को समझने के लिए बच्चों हम लोगों को लगता है कि ये प्राकृतिक नियम है कि हम जब सांस लेते हैं तो हम वातावरण से केवल ऑक्सीजन ही इनहेल करते हैं,
है ना, और ऑक्सीजन जो है वो हमारे शरीर में उसका यूज होता है। कैसे यूज होता है उसके बारे में हम रेस्पिरेशन को जब समझेंगे तब समझ पाएंगे। जैसे हमारे शरीर में जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, सिमिलरली इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड आउट ऑफ द बॉडी देन इट मस्ट बी बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर हमारे शरीर के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल आउट कर दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन का जाना और शरीर के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ा जाना, ये जो प्रक्रिया है ये बहुत आवश्यक है। और इस इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस यानी कि इस बहुत ही महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम को, जैव प्रक्रम को हम कहते हैं रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की प्रक्रिया। अब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का क्या भूमिका है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी, व्हाई इज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, दो क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। आप श्वसन का टॉपिक पढ़ने चले हैं तो श्वसन का टॉपिक जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें दो क्वेश्चंस को समझना है। पहला कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की क्या भूमिका है, और दूसरा कि हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रोन आउट क्यों कर दिया जाता है, क्यों वो बाहर छोड़ दिया जाता है, उसके पीछे क्या रीजन होगा, है ना। तो रेस्पिरेशन जो है बच्चों, रेस्पिरेशन इज द बॉडीली प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन नहीं, हम सही शब्द क्या कहेंगे, जो केवल सांस अंदर लेने की और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया है उसको हम कहेंगे ब्रीदिंग। उसको हम क्या कहेंगे, केवल सांस अंदर लेने की और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया जो आपके शारीरिक प्रोसेस के रूप में, शारीरिक प्रक्रम के रूप में होती है, उसको हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के नाम से जानते हैं। ये कौन सी प्रक्रिया है, इसे हम ब्रीदिंग की प्रक्रिया कहते हैं। बच्चों सांस लेना, देखो ये दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। ब्रीदिंग का मतलब है केवल सांस लेना और सांस छोड़ना, ये आपकी सांस लेने की प्रक्रिया हो गई, ब्रीदिंग प्रोसेस हो गई, जिसमें आप क्या करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब हम अपने शरीर में ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं तो कैसे हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रही है जिसको हमें रिलीज करना पड़ रहा है या जिसकी हमारे शरीर को जरूरत भी नहीं है। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो ये प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का कंजम्पशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। देखिए केवल जो सांस लेने की प्रक्रिया है, समझने की कोशिश करेंगे, जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है उसमें हम केवल सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, लेकिन जो ये प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है हमारे शरीर के अंदर जिसे हमें रिलीज करना पड़ता है, तो हर एक सांस लेने के और सांस छोड़ने के बीच में जो प्रक्रम हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से होता है उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन या श्वसन की प्रक्रिया। अब इस प्रक्रिया को हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली इस प्रक्रिया में क्या होता है। द ऑक्सीजन इनहेल्ड इज यूज्ड टू बर्न, ऑक्सीडाइज, ब्रेक डाउन द फूड ग्लूकोज। अभी हम पिछले सेशन में और थोड़ी देर पहले भी पाचन की प्रक्रिया के बारे में सुन रहे थे, मतलब पाचन की प्रक्रिया के बारे में आप पढ़ रहे थे, और पाचन की प्रक्रिया में आपने पढ़ा कि आप जिन भी भोज्य पदार्थों को खाते हैं, जिन भी खाद्य सामग्री को खाते हैं, उनके अंदर मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो जटिल रूप से सरल रूप में तोड़ दिए जाते हैं पाचन की प्रक्रिया के द्वारा। तो जो कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च के रूप में आपके भोजन में मौजूद, वो ग्लूकोज के रूप में तोड़ दिया जाता है, ठीक है।
अब इस ग्लूकोज का हमारे शरीर के द्वारा कैसे यूज होता है उसको हम समझेंगे। तो आप ये जानेंगे कि जब ये ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें ये अल्टीमेटली हमारे खाना खाने का जो मकसद है वो कैसे पूरा होता है। अल्टीमेटली जो हमारा खाना खाने का मकसद है वो पूरा तभी होगा जब हम सांस की प्रक्रिया के द्वारा भोजन में मौजूद जो ग्लूकोज हमने डाइजेशन के द्वारा तोड़ करके बनाया है उसको हम अपनी एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर सकें या ऊर्जा के रूप में उसको हम रूपांतरित कर सकें और उस ऊर्जा का अपनी जैविक प्रक्रमों को पूरा करने के लिए यूज कर सकें, है ना। तो वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिल करके ऑक्सीडाइज होता है या बर्न होता कहते हैं, कैलोरी बर्न होती है या हमारे भोजन के जो टूटे हुए खाद्य कण हैं ग्लूकोज के रूप में उनको यूज करता है हमारा शरीर, इसी प्रक्रिया को। और ये प्रक्रिया शरीर के अंदर मौजूद हर एक कोशिका में होती है, इसलिए इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, दिस रिएक्शन प्रोड्यूसेस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज। इस रिएक्शन से हमारे शरीर में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनमें जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता है वो पूरी होती है। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन। अब ध्यान से समझिए, आपने जो सांस लेने में ऑक्सीजन को अपने शरीर में इनहेल किया तो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर में बन गई जिसको एक्सहेल आउट करना पड़ा। तो अब आपको समझ में आया कि ऑक्सीजन का यूज हमने ग्लूकोज को बर्न करने में या ऑक्सीडाइज करने में कर दिया और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? This process occurs inside the mitochondria. अब इन अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में आपको नहीं बताया जाएगा इस सेशन में क्योंकि क्लास 9th में आपने बहुत विस्तार से कोशिका के और कोशिकांगों के बारे में पढ़ा है। तो आपने ये भी पढ़ा था कि आपकी कोशिका में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग पाया जाता है जिसे हम बिजली घर कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, एनर्जी हाउस कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ये कोशिका के अंदर मौजूद हर कोशिका के अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, है ना। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि कोशिकीय श्वसन। अब ये कोशिकीय श्वसन जो है ये कौन सी प्रोसेस है? इट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये एकदम फोटोसिंथेसिस की अपोजिट प्रोसेस है। अब इसको कैसे आप अपोजिट प्रोसेस कहते हैं, इसको ध्यान से देखिए। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही थी उसमें क्या हो रहा था। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से लिया गया पानी और सनलाइट एनर्जी मिल करके ग्लूकोज का निर्माण कर रहे थे, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वो अपने लिए भोजन बना रहे थे और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे थे। जो सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसमें उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है, यानी आपके भोजन में मौजूद जो ग्लूकोज के कण हैं उनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, कुछ पानी रिलीज हो रहा है और बहुत सारी ऊर्जा बन रही है। तो इस प्रक्रिया को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया कोशिका में मौजूद पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाती है। सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब अगर ये पूछा जाए एक नंबर के क्वेश्चन में कि कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं, जिसका आंसर आप लिखेंगे कोशिकीय श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थों ब्रैकेट में लिख देंगे ग्लूकोज के
टूटने के कारण, ग्लूकोज के विखंडन के कारण ऊर्जा रिलीज होती है, ऊर्जा निकलती है, वह प्रक्रिया कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या ऑक्सीजन ही ऐसा मॉलिक्यूल है जो फूड को बर्न कर सकता है और एनर्जी निकाल सकता है, एनर्जी रिलीज कर सकता है? क्या होता है अगर किसी भी जीव को ऑक्सीजन ना मिले, है ना? अगर जैसे हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, कि ऑक्सीजन की जरूरत है हमारे सांस लेने की प्रक्रिया के लिए, यानी हमारी श्वसन की प्रोसेस में ऑक्सीजन यदि ना हो तो वो संभव नहीं हो पाता। तो किस तरह से हम समझेंगे कि यदि ऑक्सीजन ना हो किसी जीव के पास, जैसे हम बहुत ज्यादा, मान लीजिए बहुत हाई एल्टीट्यूड पे ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, या किसी ऐसी जगह पे चले गए जहाँ ऑक्सीजन की समुचित सप्लाई नहीं है, तो क्या होगा हमारे साथ या उन जीवों के साथ क्या होता है जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है? इज ऑक्सीजन द ओनली मॉलिक्यूल यूज्ड टू बर्न फूड एंड प्रोड्यूस एनर्जी? व्हाट हैपेंड टू द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन रीजंस विद नो ऑक्सीजन? उन जीवों के साथ क्या होता होगा जो ऐसे एरियाज में रहते हैं, ऐसे रीजन में रहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है? तो उसके बारे में हम जानेंगे। ये जो श्वसन की प्रक्रिया होती है बच्चों, ये होती है दो प्रकार की। श्वसन की प्रक्रिया जो होती है ये होती है दो प्रकार की। रेस्पिरेशन कैन अकर बोथ इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना? इसको दो प्रकार की प्रक्रिया होती है। देखो, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है इसका बेसिक मतलब ये है कि एनर्जी का रिलीज होना। अब एनर्जी का रिलीज होना, चाहे जिस प्रक्रिया से एनर्जी रिलीज हो रही हो, वो प्रक्रिया श्वसन की प्रक्रिया ही कहलाएगी, है ना? मनुष्यों में वो डिफरेंट तरीके की होती है, और कुछ अन्य जीवों में जो ऑक्सीजन वाली जगह पे नहीं होते उनमें ये प्रक्रिया दूसरे प्रकार से होती है। तो इट कैन बी क्लासिफाइड इन टू टू टाइप्स, ये दो रूप, दो तरीके के श्वसन की प्रक्रिया होती है, उसको हम समझेंगे। पहला होता है बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसे हम कहते हैं वायवीय श्वसन, और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसे हम कहते हैं अवायवीय श्वसन। श्वसन की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसे हम कहते हैं वायवीय श्वसन, और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसे हम कहते हैं अवायवीय श्वसन। तो अब इसको आप सभी अपनी कॉपी में नोट भी करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है कि जो श्वसन की प्रक्रिया है ये दो प्रकार की होती है, पहला वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। अब एक टेबल टाइप का बनाएंगे, आप बीच में मार्जिन देंगे, एक तरफ लिखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन और राइट हैंड साइड में आप लिखेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। पॉइंट नंबर वन लिखेंगे, वायवीय श्वसन में इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन में लिखेंगे इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो इंग्लिश में लिख सकते हैं, जो हिंदी में लिखना चाहते हैं वो मेरी आवाज सुनकर के हिंदी में लिख सकते हैं। वायवीय श्वसन के नीचे लिखेंगे पॉइंट नंबर वन, वायवीय श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, अवायवीय श्वसन में लिखेंगे इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अवायवीय श्वसन में लिखेंगे पॉइंट नंबर वन, अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही होती है। जैसा कि नाम से ही जान पा रहे हैं आप, एक वायु की उपस्थिति में और एक वायु की अनुपस्थिति में। तो वायवीय श्वसन की प्रक्रिया, एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया यानी कि अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया किस में होती है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में लिखेंगे इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड आउटसाइड एनवायरमेंट,
वायवीय श्वसन की प्रक्रिया में इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एंड ऑर्गेनिज्म एंड आउटसाइड एनवायरनमेंट। वायवीय श्वसन की प्रक्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है जीवों के और उसके बाहरी वातावरण के बीच में। यानी कि जैसे हम हैं, हम वायवीय श्वसन करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर इनहेल करते हैं और हमारे शरीर में बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वेस्ट मटेरियल के रूप में अपने शरीर से एक्सहेल आउट कर देते हैं। पहले हम वायवीय और अवायवीय श्वसन के बारे में जान लेंगे, उसके बाद हम ब्रीफ में जानेंगे कि आखिर ये प्रोसेस हमारे शरीर में कैसे होती है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में लिखेंगे, अवायवीय श्वसन में दूसरा पॉइंट लिखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज एब्सेंट। यानी कि अवायवीय श्वसन में गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायवीय श्वसन में इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि जो साइटोप्लाज्म है और माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका द्रव्य है और माइटोकॉन्ड्रिया है, ये दोनों पाए जाते हैं कोशिका के अंदर। तो लिखेंगे कि वायवीय श्वसन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में लिखेंगे इट अकर्स ओनली इन द साइटोप्लाज्म। एनएरोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया केवल कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में लिखेंगे पॉइंट नंबर 4, इट ऑलवेज रिलीजेज CO2 एंड H2O। यानी कि वायवीय श्वसन की प्रक्रिया में सदैव ही कार्बन डाइऑक्साइड और H2O रिलीज होती है। और एनएरोबिक श्वसन की प्रक्रिया में लिख देंगे कि वहां पे जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो वायवीय श्वसन की प्रक्रिया के मुकाबले कुछ अलग होते हैं। ठीक है, अब जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसका जो बेसिक टारगेट है वो होता है एनर्जी रिलीज करना। आपने समझा कि जब हमने बात करी कि किस तरह से हम जो खाना खाते हैं वो हम खाना क्यों खाते हैं, हमने शुरुआत में ही बात करी थी चैप्टर के कि हम खाना खाते हैं ताकि हमारे शरीर में एनर्जी जो है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। तो एनर्जी, जिसको हर काम को करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, वो एनर्जी हमें मिलती है हमारे भोजन में मौजूद जो ग्लूकोज है, वो जब ग्लूकोज को बर्न करता है हमारा शरीर, ऑक्सीडाइज करता है ऑक्सीजन की हेल्प से, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के द्वारा हमें एनर्जी मिलती है और ये प्रक्रिया होती है हर एक कोशिका में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायवीय श्वसन में जो ऊर्जा निकलती है वो बहुत ज्यादा होती है, इट यील्ड्स 38 ATP। और अवायवीय श्वसन में यही ऊर्जा केवल 2 ATP तक निकलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ATP क्या है, है ना, तो इसके बारे में भी हम आगे समझेंगे, बात करेंगे। जो ATP है बच्चों, ये ऊर्जा का हम कह सकते हैं मात्रक है। ये क्या है, आपका शरीर जो है वो सभी, पूरा का पूरा शरीर केमिकल्स से मिलकर के ही बना हुआ है। तो ये जो ATP है ये भी रासायनिक ऊर्जा के रूप में आपके पास आती है। ATP को हम, ATP का यदि फुल फॉर्म, अगर पूरा नाम समझने की कोशिश करें, तो जैसे ही आप पूरा नाम बोलेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा कि ये कुछ रासायनिक चीज है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। तो ये अब ठीक है, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज जो है, इज ग्लूकोज द ओनली कार्बोहाइड्रेट विच इज ब्रोकन डाउन, आर नॉट प्रोटीन्स एंड लिपिड्स यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। यानी कि
क्या हम जब खाना पचाते हैं तो उसमें केवल ग्लूकोज को ही हम तोड़ करके अपने लिए ऊर्जा निकालते हैं? क्या प्रोटीन्स या लिपिड्स किसी तरीके की कोई ऊर्जा हमें नहीं देती? क्योंकि जब हम संतुलित आहार की बात कर रहे थे तो हमने ये बात करी थी कि हमारे शरीर में ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन्स का भी होना जरूरी है, फैट्स का भी होना जरूरी है। तो क्या केवल ग्लूकोज ही हमें ऊर्जा देता है? क्या प्रोटीन और लिपिड्स हमें किसी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं देते? उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ग्लूकोज जो है बच्चों, वो एक ऐसा सब्सटेंस है, ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल, ऐसा अति साधारण कण है दैट एंटर्स अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस एंड द क्रेब्स साइकिल टू प्रोड्यूस एनर्जी। जो ग्लूकोज है ये इतनी आसानी से आपको एनर्जी नहीं देता। अभी आप छोटी क्लासेस में थे, आपको केवल ये बताया गया कि ग्लूकोज जब टूट जाता है, हम सांस लेते हैं, ग्लूकोज बर्न आउट होता है और हमारे लिए ऊर्जा रिलीज कर देता है। लेकिन जब आप धीरे धीरे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको वो रिएक्शन आपकी बॉडी में कैसी होती है उसके बारे में भी ब्रीफ में जानना पड़ेगा। तो ग्लूकोज जो है वो ऐसा साधारण मॉलिक्यूल है जो एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस यानी कि बहुत सारे रिएक्शंस की सीरीज होती है, उसमें एंटर कर जाता है और उसमें ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल, ये दो साइकिल्स को पूरा करने के बाद एनर्जी रिलीज होती है। अब ये प्रोसेस होती है बहुत ही क्विक, हम उसको समझ नहीं पाते हैं इजीली। हम देखेंगे किस तरह से, आप सभी को पता है कि रेस्पिरेशन जो है वो दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। प्रोटीन्स एंड फैटी एसिड्स आर ब्रोकन डाउन एंड एंटर द साइकिल एट डिफरेंट रीजन्स। एमिनो एसिड्स डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन एंटर द क्रेब साइकिल एट डिफरेंट प्लेसेस। यानी कि जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं उसमें मौजूद जितने भी पोषक तत्व हैं वो कहीं ना कहीं यूज हो जाते हैं हमारी इस प्रक्रिया में, जहाँ पे हमारे शरीर में ऊर्जा जो है वो निकल रही है। लिपिड्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड देन इनटू एसिटिल कोएंजाइम व्हिच एंटर्स द क्रेब्स साइकिल। ठीक है, अब अगर इस प्रोसेस को, एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होती है उसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे तो ये डायग्राम आप बच्चे अपनी कॉपी में बनाएंगे। लिखेंगे वायवीय श्वसन, इट इन्वॉल्व्स फोर मेन स्टेप्स। बच्चों आज की क्लास में आप सभी ने डाइजेशन को पूरा कंप्लीट करने के बाद रेस्पिरेशन की प्रोसेस को समझने की कोशिश की। रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की प्रक्रिया जिसे हमने शुरू किया, और आपने ये जाना कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है। बहुत छोटी क्लास का ही क्वेश्चन है कि सांस लेना और सांस छोड़ना एक डिफरेंट प्रोसेस है, और रेस्पिरेशन जो है वो हमारे शरीर के अंदर मौजूद हर एक कोशिका में होता है, इसीलिए इसे हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। और रेस्पिरेशन की प्रोसेस दो प्रकार की होती है जिसके बारे में आपने जाना, वायवीय श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन और अवायवीय श्वसन एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आज की क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।